भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सारण की आवाज से गूंजा शहर, कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा। जनता में सुरक्षा की भावना जगाने निकली वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस, कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन और काशी वासियों के संयुक्त प्रयास से काशी में कोरोना के प्रकोप पर वर्तमान स्थिति में काबू पा लिया गया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने विगत देर शाम फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से अपील किया कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा हमें और कड़ाई बरतनी पड़ सकती है। कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस जब सड़कों पर उतरी तो चारों तरफ होटल की आवाज थी सुनाई दे रही थी, जिससे स्थानीय लोग सकते में आ गए। शनिवार शाम 7:30 बजे के बाद एकाएक वाराणसी के शहरी इलाकों में निकले पुलिस के फ्लैग मार्च से लोगों में कौतूहल देखा गया है। इस संबंध में वाराणसी के ADCP विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा की भावना को बल देने के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा आदमपुर, कोतवाली मैदागिन, विश्वेश्वरगंज, मशोदरी, पीली कोट, हनुमान फाटक आदि इलाकों में पुलिस टीम के साथ गश्त किया गया है। ADCP विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि फ्लैग मार्च में सिविल पुलिस, PSC घुड़सवार दल, 112 PRV तथा फैटम दस्ता शामिल रहा। आज शहर के जैतपुरा, आदमपुर, कोतवाली चौक, दशाश्वमेध, लक्षा, चेतगंज, भेलूपुर, लंका, मंडुआडी कैंट और शिग्रा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने अपने अपने इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू को अगले 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी नहीं बच पाया था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अथक प्रयास से वर्तमान में कोरोना के प्रकोप पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने लगातार अथक प्रयास करते हुए कोरोना के प्रकोप पर काबू पाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे कि वाराणसी के जनता ने भी पुलिस कमिश्नरेट का पूरा सहयोग किया है इसमें। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से COVID-19 पर कर्फ्यू लगाया गया है, तो किस प्रकार से जो आम दिनों में ये सड़कें काफ़ी बिजी रहने वाली सड़कें आज सुन नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और काशी के रहने वाले लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, विगत शाम को जिला प्रशासन ने भारी मात्रा में प्रत्येक चौराहों पर पैदल गश्त करते हुए लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग COVID-19 के गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा हमें और सख्ती बरतनी पड़ सकती है। वाराणसी से तौफीक खान की।